हे यो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एटीएम 8 के 100 डेज के वीडियो में। यस, हम लोग इसमें पूरा का पूरा 100 डेज सरवाइव करने वाले, वो भी गाइस पता है नॉर्मल बल्ब पे नहीं, हार्ड कोर। यानी मुझे पता है आप लोगों ने यूट्यूब में जितने सारे वीडियोस देखे उनसे थोड़ा सा हम लोगों का प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि हार्ड कोर में जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। तो हार्ड कोर में जिंदा भी रहना है और इस ओटीएम में भी हमको सर्वाइव करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते नया नया क्वेस्ट है। तो मेन जो टारगेट क्या है, हमारा मेन जो टारगेट है ना एटीएम 8 में, यानी ओल्डमोडियम एटीएम 8 में हमको यहाँ पे पूरा का पूरा ओल्डमोडियम के सेट मुझे क्राफ्ट करना है इस पूरा 100 डेज में। हमारा ये रहेगा टैक्स, बाकी जितने भी टैक्स है वो धीरे धीरे नेक्स्ट पार्टों में हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 डेज में इतना कुछ कर पाना बहुत हार्ड है, बट आपके भाई ने करके दिखाया। और एक चीज बताऊं गाइस, यहाँ पे जो टूल्स वगैरह मैं बना रहा हूँ ना, इसको बनाने देते उससे पहले एक बात सुनो, ये वीडियो कितने जीबी का बना था पता आपको? 100 जीबी का ये वीडियो टोटल साइज था, 100 जीबी रॉ रिकॉर्डिंग फाइल्स। मेरा तो हालत खराब हो गया था इसको रिकॉर्ड करते कोई ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के हम लोगों ने यहाँ से कुछ मटेरियल इकट्ठे करना शुरू किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बेड वगैरह बनाए थे एंड मुझे यहाँ पे कुछ मिट्टी का घर मिला था इग्लू जैसा, तो यहाँ पे मैंने सोया एंड साइड मुझे पता था कि नीचे कुछ होता है, तो नीचे मैं गया तो यहाँ पे कुछ विलेजर थे, यहाँ पे मुझे कुछ एप्पल मिले थे एंड बाकी कोल वगैरह जो रिफोर्ड स्टोन भी मुझे यहाँ से मिल गया था। तो यहाँ से मैंने रिफर स्टोन को थोड़ा सा रखा और देखा क्या क्या है इसमें, तो यहाँ पे हमको बाकी कुछ तो नहीं मिला। तो अभी मेरे को था क्या, इस जो भी विलेज आ रहे इसको क्योर करना, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद इसको मैंने फाइनली क्योर भी कर लिए थे। मैं जॉम्बी डॉक्टर भी बन गया था यार, तो इससे मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, फिर एक जगह ढूंढा जहाँ पे मैं रहने लायक था। तो यहाँ से कुछ खाना वगैरह ढूंढते ढूंढते हम लोग एक मेट्रोराइट के पास आ पहुंचे, तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह तोड़ रहा था एप्पल, तो मैं थोड़ा थोड़ा पास गई इस मेट्रोराइट के, तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन से एक मेट्रोराइट बना हुआ था। इसको तोड़ के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ आयरन मिला, कुछ डायमंड एंड बाकी के कुछ कवर्स एंड कुछ नेदर क्वार्ट्स वगैरह यहाँ पे मुझे मिल गए थे, तो ये लिए। एंड मैं यहाँ से देखने लगा मुझे इंफीरियम सीड और इंफीरियम डायमंड स्टोन बनाना था, जिससे हम लोग आगे का जो चीज़ है उसको बना सकते। तो सबसे पहले जो टारगेट है वो था इंफीरियम सीड बनाना, जो कि बहुत काम आने वाला था आगे। तो ऐसे करके सबसे पहले मैंने आयरन का पिकैक्स वगैरह बना लिए जो कि मुझे माइनिंग करने में मदद करे, तो फिर मैं चल पड़ा माइनिंग करने, क्योंकि माइनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास ना कुछ था, मतलब ऐसे होते था, इसमें इतना फोकस मत करो। फिर यहाँ पे कुछ जॉम्बीज आके मेरे को मारने लगा, तो मैं भी कम नहीं था तो मैंने उनको फाड़ दिया पूरा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लूट चेस्ट देखे, तो लाइट अप किया मैंने, फिर यहाँ पे लूटने लगा। पहला चेस्ट बहुत बेकार था, उसके बाद चेस्ट में भी अच्छा नहीं था चीज़ें, तो उसके बाद एक दो चेस्ट मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें ऐसे मिल गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत से अजीब वगैरह चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ हो रहे थे, क्योंकि जॉम्बी स्केलेटन वगैरह भर भर के आ रहे थे। फिर ऐसे में लगातार माइंड पे ध्यान देने लगा, जितने सारे निकल सिल्वर आयरन गोल्ड जितने भी सारे चीज़ें हैं ना, मैं एक एक करके माइन करते करते कर लिए थे। तो यहाँ पे घर आने के बाद कुछ मुझे इतना सामान मेरे को मिल चुका था माइन करके। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ वो था जिसके एल्वोलियम मैं देख सकता हूँ, तो इसको जब मैंने यूज़ किया कास्ट के स्पेल को, तो मुझे नीचे जितने सारे ओर्स है ना मुझे मार्क हो रहा था, तो ये था अच्छा नहीं बेकार चीज़ें बोल सकता हूँ। मैंने फिर से आयरन का टूल बनाया, बाकी जितने मैंने आयरन माइन किए थे वो सब मैंने यहाँ से पिघलाने के लिए डाले थे, उसको मैंने निकाला एंड बाकी जितने हो सके एक एक करके मैं क्वेस्ट को कंप्लीट करने लगा, जितना ज़्यादा हो सके क्वेस्ट मेरे को सबसे पहले कंप्लीट करना था, उसके बाद ही हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजे कर पाते। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सबके सब यहाँ पे क्वेस्ट कंप्लीट किए। तो मेनली क्या था कि मुझे यहाँ पे मैकेनिज्म पे जाना था, क्योंकि अगर मैकेनिज्म में एक बार कर लूँ चीज़ें तो मुझे आसान पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने फार्मिंग वगैरह स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे क्वेस्ट कंप्लीट करना था एक से एक करके। तो यहाँ से मैंने फार्मिंग किया, हमारा जो वुड्स प्लांट है मैंने यहाँ पे सीड प्लांट किया, उसे यही नहीं किया बाकी जितने सारे मेरे को बाकी के और भी सीड्स मिले थे मैंने उसको भी यहाँ पे प्लांट किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये जो सीड है ये किस किस का काम आएगा, तो मैंने सबके सब यहाँ पे प्लांट कर दिए। तो ये प्लांट करने के बाद हम लोग सीधा चल पड़े इंफीरियम सीड बनाने, तो जैसे मैंने इंफीरियम सीड बनाया और अभी क्या था इंफीरियम डर्ड बनाना भी था, नहीं तो ये उगता नहीं। उसके बाद मैंने इंफीरियम यहाँ पे डर्ड बनाया, 3 इंफीरियम फार्म लैंड, फिर इनको प्लेस करके वेट करा कब तक ये उगेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता उगने के लिए। ओ ऑनड्रिंग ट्रेडर, ओके तो ऑनड्रिंग ट्रेडर भी आया था बट बहुत ही बेकार इसका ट्रेड था, तो मैंने इसको बोला भाई तू जा तू मेरे लायक नहीं है, ओके तो इसको बोल के मैं इसको भगा दिया हमारे ऑनड्रिंग ट्रेडर को। फिर एक जाते जाते मुझे कहीं पे बहुत से प्लेजर दिख गया प्लेजर्स, तो मैंने एक एक करके प्लेजर को जब मारना शुरू किया तो यहाँ पे मुझे नॉलेज ऑफ डेथ का एक पॉइंट मिला, तो मुझे पता नहीं था ये होता क्या है, तो फटाफट करके मैंने यहाँ पे चैट खोल के इसमें क्लिक किया एंड आजू बाजू यहाँ पे कुछ पॉइंट देने का था, मैंने तो मुझे पता नहीं था कि तो मैं किसी को पॉइंट देके। फिर यहाँ पे मैं काम पे लग पड़ा हमारा पेड़ तोड़ने का,
तो यहाँ से मैंने कुछ पेड़ तोड़ा और ये था मैजिकल पेड़, तो मैंने इसको भी तोड़ा और इससे हम लोग बहुत ही खास चीजें भी बना सकते थे, ये मुझे पता था। तो ये सब करके यहाँ पे जितने सारे आजू बाजू हमारे ट्रीज थे वो मैंने तोड़ा, मतलब एक एक करके जो होता है हम छोटे मोटे ट्रीज मैंने तोड़ा एक एक करके। तो ये सब ट्रीज तोड़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इससे करूंगा क्या, फिर मुझे लगा कि घर बनाते। तो कुछ घर का डिजाइन मैंने ऐसा किया था, हाँ मुझे पता है ये बहुत बेकार लग रहा था डिजाइन, बट यार मेहनत तो हमने इस घर पे बहुत किए थे। तो उसके बाद टाइम था मुझे क्रिएट मोड का, एक वेडियम नाम के कुछ ब्लॉक मिले थे माइन करते करते, तो मैंने इसको पूरा ब्लॉक मेरे चारों तरफ घर के लगाए थे क्योंकि इसका डिजाइन इनका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने ऐसे किया, घर थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा था क्योंकि पूरा बना नहीं था, तो मैं थोड़ा सा दूर गया तो यहाँ पे देखा वर्म जैसे कुछ आ रहा है मेरे पास, तो मैं अपने जान बचा बचा के भाग रहा था इससे। फिर यहाँ पे मैंने आगे ब्लॉक ला के ऊपर चढ़ा, यानी जो वर्म था ना, तो मैंने इसको फटाफट करके एक एक करके मैंने इसको मारा, मतलब वर्ल्ड हंटर जो था इसको मैंने मार दिया। उसके बाद नीचे जो उल्ट था ना वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो गया था, भाई ये खतरनाक था सबसे। तो जाते जाते बैट उड़ के आके इंसान बन गया यहाँ पे और ये मुझे बहुत ही गंदा तरीके से यहाँ पे इसने मुझे मारने लगा, लेकिन मैं भी कम नहीं था तो मैंने इसको भी दो थप्पड़ मार के इसको मैंने हरा दिया। तो हरने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें मिले थे, आयरन लेदर पैंट्स वगैरह जीबो करे। फिर मैं घर में आके फिर से हम लोग काम स्टार्ट किया, यहाँ पे ग्लास पैनल लगाना है के। तो ये सब डिजाइन करने के बाद घर कुछ ऐसा दिख रहा था अजीबो गरीब, हाँ मुझे पता है ये घर जैसा दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन मेहनत मैंने बड़ा किया था इस घर को बनाने के लिए गाइस। ओके, तो बाकी के जो टाइम था हम लोगों ने घर के अंदर सामान को एक्सपोर्ट किया है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने बैकपैक बनाए। ओके, तो यस गोल्डन बैकपैक अच्छा खासा बड़ा था, इसके अंदर बहुत लूट में रख सकता था। तो यहाँ से मैंने एक मैजिकल टेबल बनाया, स्क्रैप टेबल, जिसकी मदद से हम लोग नया नया स्पेल्स बुक क्राफ्ट कर सके। तो अब एक स्पेल बुक बनाया, स्पेल बुक बनाने के बाद अभी क्या था पता है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना था ब्रेक वाले स्पेल, तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया ब्रेक स्पेल जिसकी मदद से मैं किसी भी ब्लॉक को तोड़ सकता हूँ, बट वो आयरन लेवल का ब्लॉक होना चाहिए, यानी डायमंड लेवल का ब्लॉक को मैं नहीं तोड़ सकता। डायमंड लेवल का ब्लॉक तोड़ना है तो हमको डायमंड पिकैक्सेस को अपग्रेड करना पड़ेगा स्पेल को, तो जो मेरे पास अभी था नहीं, तो जितने आयरन लेवल के थे मैंने उसको माइन कर पाया। ऐसे करते करते हम लोग एक्सप्लोर करने निकल पड़े लेदर के लिए, तो लेदर तो हमको कहीं पे भी मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक जगह पे एक टावर मिला, लेकिन टावर में खास कुछ था नहीं, जगह पे मैं देखने लगा आजू बाजू तो टावर में कुछ था नहीं, लेकिन ऊपर एक मॉब स्पॉनर था जो मुझे तोड़ना था। तो यहाँ पे मैं आजू बाजू आके इसको मैंने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद जो चेस्ट था ना, चेस्ट के नीचे मेरे को दो डायमंड चेस्ट प्लेट, एक डायमंड सॉर्ड और यहाँ पे हमारे को डायमंड के लेगिंग मिल गया था, यानी थोड़ा सा मेरे को काम आसान हो गया था, यानी मैं थोड़ा सा पावरफुल बन चुका था। और मुझे ब्रोकन स्पॉनर भी यहाँ पे मिला था, तो ये मैं पता नहीं कुछ अजीब वगैरह चमक रहा था, तो इसको मैंने बहुत ट्राई किया, ये है क्या चीज, इविल क्राफ्ट का क्या है, बट मुझे इसके बारे में 1% जानकारी नहीं मिला। तो वहां से मैं निकल पड़ा खोज में, तो फाइनली खोज हमारा सफल हुआ, बहुत ब्लॉक मतलब कितने ब्लॉक चलने के बाद, इतने जगह एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे काउ दिख गए थे। तो एक एक का मार के मैंने ऐसे काउ मतलब लेदर फार्म किए। तो फिर मैं घर आके यहाँ पे मुझे बनाना था यस समन हॉर्स स्पेल, तो इसके लिए मेरे को चाहिए था 4 लेदर, तो मैंने एक एक करके सब लेदर यहाँ पे डाल दिए। फिर ये जो टेबल है मेरे लिए एक स्पेल लिख रहा था, तो ये स्पेल था हॉर्स समनिंग स्पेल, जो यहाँ पे मैंने किया प्रोजेक्टाइल एंड हॉर्स समनिंग। फिर मैंने स्पेल को यहाँ पे नाम डाल के फिर इसको क्रिएट किया। तो करने के बाद मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरे पास एक खुद का एक हॉर्स होगा जो मैं कहीं से भी इसको बुला सकता हूँ मेरे स्पेल की मदद से, यानी मेरे को रूट तक ट्रैवल करने के लिए एक जरिया तो मिल चुका था, आसान जरिया। तो हाँ ये सब करते करते घर के जो सामने था पानी के एरिया, तो मैंने सोचा चलो इस जगह को ना थोड़ा सा बढ़ाते क्योंकि बाकी जो मशीन है ना मैं वहाँ पे लगाऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ चुका था माइन करने डायमंड वगैरह एंड ओसमिया, मेन था ओसमिया इंगॉट, क्योंकि उससे अगर वो ना मिले मैं बाकी का जो मशीन से वो नहीं बना पाऊंगा, तो ओसमिया इंगॉट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे जितने हो सके मैंने माइन किया गोल्ड वगैरह। फिर यहाँ पे एक स्पॉनर दिखा मुझे फिर से, तो इसको मैंने तोड़ा, लेकिन ये सिल्वर फेस का स्पॉनर था तो ये थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो एक एक करके यहाँ पे जो सिल्वर फिशेस थे मैंने इनको एक एक करके मारा, एंड इनको मारने के बाद जो चेस्ट था ना, तो अजीब अजू मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, तो चेस्ट के अंदर मैं जब दिया तो मुझे यहाँ से कुछ स्केलेटन स्पॉनर एंड कुछ आयरन कुछ बकेट मिला, खास कुछ यहाँ पे था नहीं। तो यहाँ से हम लोग फिर भी एक्सप्लोर करने यहाँ पे हमको बहुत सारे क्रेडिट भी मिल गए थे, तो एक एक करके यहाँ पे मैं क्रेडिट चेक कर रहा था जो लूट क्रेडिट था, यहाँ पे डायमंड आयरन बहुत सारे चीजें थे जो मेरे को आने वाला टाइम पे अच्छा अच्छा मदद कर सकते थे। तो ये सब यहाँ से मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगा क्योंकि एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से एक्सप्लोर किया, फिर मुझे फाइनली ओसमियम इंगॉट मिल चुका था। तो यहाँ से मेरा मैजिक स्पेल से मैं एक एक करके इनको माइन करने लगा, क्योंकि ओसमियम के बिना मैं आगे वाला जो मशीन्स वो कुछ नहीं बना सकता। यहाँ पे मेरे को डायमंड का पिकैक्स, कुछ रिफर स्टोन
एंड यहाँ पे ओ और एक चीज, यहाँ पे मुझे माइन शॉप में मिला था जहाँ से मुझे टायरेंट एंड बाकी जितने भी सारे लूट थे ना, यहाँ से मुझे एक एक करके बहुत सारे लूट मिले। यानी माइनिंग था सबसे बेस्ट खजाना लूटने का जगह, तो यहाँ से मुझे बहुत सारे चीज़ें मिला। एंड यहाँ पे मुझे यस ऑब्वियसली यहाँ से मुझे कुछ हमको भी यहाँ से कुछ किले मिल गया था, जो कि आने वाला टाइम पे मेरे को बटानिया के बोटानी के पार्ट्स बनाने के लिए मदद कर सकता था। तो यहाँ से मैं लूट शॉट के घर में आ चुका था, तो अभी टाइम था यहाँ पे मैंने किले को भी टेरा कोटा बना लिया था, बाकी ब्रिक्स बनाए थे पॉट बनाने के लिए, तो मैंने ऑसनियम को अपडेट करने के लिए मतलब पिघलाने के लिए डाल दिया। फिर यहाँ पे आके मैंने पेड़ वगैरह तोड़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारे लॉग्स जिसके मदद से मैं चेस्ट बना पाऊँ एंड बोटानिया के पॉट्स बना पाऊँ, जिसके मदद से मैं अलग अलग टाइप के जो पेड़ है ना उसको उगा सकता हूँ, जैसे कि आयरन का पेड़ हो गया एंड नॉर्मल डायमंड का। तो यहाँ पर ऊपर मैंने एक सेटअप किया था, ओके मतलब चेस्ट डाल के फिर ऊपर एक एक करके मैंने पूरा का पूरा पॉट्स डाल दिया, हॉपर पॉट्स, क्योंकि इसके ऊपर हमको लगाना था बहुत सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स जो कि आने वाला टाइम पे बहुत मेरा मदद करे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन जो था ना, मैंने सब सेटअप कर दिए थे। अभी चाहे इंफेरियम का यानी ये जो एसेंस है ना, इससे हायर टियर जितना ज़्यादा हो सके इसका हायर टियर बनाना। तो यहाँ पे मैंने ट्रीथियम ऐसा कुछ नाम होता है इसका, मैंने ये बना लिया हमारे यस। इसके बाद से इंपीरियम का मैंने एसेंस बनाया जो कि थोड़ा सा हायर टियर के थे, तो यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट दो बना पाए थे। तो मैंने एक दो करके दो यहाँ पे मैंने फार्मलैंड बना लिया थे TR4 के, दो TR4 के फार्मलैंड, एक यहाँ पे TR3 के, बाकी हम लोगों ने बनाए थे TR2 के फार्मलैंड, क्योंकि जो इंफीरियम सीड है वो इसके ऊपर उगने वाले थे। तो यहाँ से मैं हनी सीड, डाई सीड, डायमंड सीड, जितने सारे सीड मैं बना सकता था। तो हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने के लिए, बट कोई ना। तो यहाँ पे मैंने आके इंफीरियम सीड डाल दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारा इंफीरियम एसेंस चाहिए था जो कि आने वाला टाइम पे बाकी के सीड बनाने के लिए मेरे को मदद करे। तो मैंने एक एक करके हर जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने फार्मलैंड एंड यहाँ पे इंफीरियम का सीड डालते रहे। ओके, तो ये सब सीड डालने के बाद हम लोगों ने एक पेडेस्टियल बनाया जिसके मदद से हम लोग अलग अलग टाइप के सीड बना सकते थे। तो अभी सबसे पहले टाइम था आयरन सीड बनाने के लिए, क्योंकि आयरन था सबसे ज़्यादा अभी महंगा मेरे लिए। तो यहाँ से मैंने आया ऊपर, तो कुछ दिन बीत चुके थे ये सब सेटअप करते करते, तो अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को इंफीरियम के एसेंस मिल चुके थे। अभी इस एसेंस को क्या करना था, तो सबसे पहले इस एसेंस को लेके आके मैंने अपग्रेड किया, जितना हायर टियर बना सके मैंने उसको उतना हायर टियर बना। हायर टियर बनाने के बाद अभी टाइम था आयरन का सीट बनाना, तो यहाँ पे मैंने 4 एसेंस रखा और हमको सबसे पहले और रखना था 4 आयरन। तो आयरन मेरे पास था नहीं क्योंकि मैंने सब के सब यूज कर दिया था। तो यहाँ पे 4 एसेंस आयरन रखने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली बना डाला आयरन सीट, जो कि यार बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इन्फानाइट आयरन आने वाला था। तो यहाँ पे मैंने आयरन को उगाने के लिए यहाँ पे रख दिया। हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बट इतना भी स्लो नहीं। ऐसे करके मैं और भी 3-4 यहाँ पे हमारे आयरन के सीड्स बनाए, थोड़ा सा मैं माइन भी चला गया था आयरन के लिए। तो वहाँ पे मैंने कुछ सीड बनाए और सीड बनाने के बाद हम लोगों ने फिर से यहाँ पे पॉट के पास आए एंड जो काम था वो हम लोगों ने फिर से सीट को उगाने के लिए यहाँ पे डाल दिए। हाँ थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोई ना यार, अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पे सीट को उगाने के लिए डाल दिए। अभी जस्ट आयरन का इंतजार करना था कि कितना देर बाद ही आयरन आएगा। तो वहाँ फाइनली एक एसेंस हमारा आ चुके थे आयरन के। उसके बाद मैंने डायमंड पिकैक्स को अपग्रेड किया इंफीरियम पिकैक्स पे, मुझे पता नहीं मैंने क्यों उसको अपग्रेड किया, बट बहुत बढ़िया था ये पिकैक्स अपग्रेड करना। फिर मैंने यहाँ पे इन्फ्यूज़र बनाया जिसके मदद से मैं एलाई को इन्फ्यूज कर सकता हूँ अलग अलग मशीन्स बनाने के लिए। तो मेरे पास एक कोल जनरेटर ऑलरेडी था जो मेरे को मिला था, मतलब बनाया था मैंने, तो इसके वजह से इसको पावर मिल रहा था। तो अभी इन्फ्यूज़र क्या करता था, तो इन्फ्यूज़र मेन था एलाई बनाते थे, लेकिन उसके लिए मेरे को बाकी के और भी पावर चाहिए थे। तो इन्फ्यूज़र हम लोग अगर ऑस्ट्रेलियम डाले तो सर्किट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ बनाते थे। या भाई मुझे सबसे पहले चाहिए था कुछ एलॉय, तो मैंने एक आयरन और कुछ रेडस्टोन डाला, इससे हम लोग बना पा रहे थे इन्फ्यूज्ड एलॉय। तो ये एलॉय बहुत काम के आते हैं। तो थोड़ा दिन वेट करने के बाद हम लोग यस बहुत दिन वेट किए, तो वेट करने के बाद हम लोग अभी थोड़ा सा इनफ हो चुके थे कि मतलब मेटेरियल हमारे पास आ चुके थे एसेंस। तो एसेंस बहुत काम होने वाला था, पता नहीं एसेंस से ज़्यादा मेरे को सीड मिल रहे थे, तो आयरन का सीड मिला यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मैंने कुछ गोल्ड का भी सीड मैंने बना के लगा दिया था, जिसका क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो उसके लिए सॉरी गाइज। तो यहाँ से मैंने जितने से बाकी सीड्स मुझे मिले थे, तो एक एक करके मैंने हर एक सीड को फिर से मैंने रिप्लांट किया। हाँ थोड़ा करना पड़ा रिप्लांट, क्योंकि आयरन बहुत कम आ रहे थे। तो यहाँ से मैंने 6 के 6 हीट जनरेटर बनाया, बाकी एक्स्ट्रा मैंने और 2 भी बनाया था जब मेरे को जरूरत पड़ा था। तो हीट जनरेटर बनाने के बाद सेटअप करना बहुत दिमाग का खराब था, लेकिन उस घंटे का मेहनत के बाद हम लोग फाइनली एक अच्छा खासा हीट जनरेटर सेटअप कर पाए थे। और अभी टाइम था इस हीट जनरेटर से पावर
लेना। तो हीट जनरेटर में अच्छा खासा पावर आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने लावा ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यूज कर लिए थे लावा, जिसके मदद से पावर बहुत मिल रहे थे। तो यहाँ से एलॉय वगैरह बनाने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे बनाया, मुझे मेन बनाना था यस एनर्जी क्यूब, जो कि एक बैटरी टाइप होता है, बैटरी होता है कि वो चार्ज होते हैं खुद के अंदर पावर को स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक एक करके यहाँ से हम लोग एक बेसिक एनर्जी क्यूब बनाया मैंने इस जगह पे। तो बेसिक एनर्जी क्यूब बनाने के बाद इसके सामने में जब लगा दिया ना, तो इसके अंदर पावर फिल होना शुरू हो चुके थे, यानी मेरे पास अभी इनाफ यस पावर आ चुके थे कि बाकी में मतलब बाकी मशीन्स में चला पाऊँ। तो यहाँ से मैं वायर के साथ इसको कनेक्ट किया एंड फाइनली जितने सारे मशीन्स से मेरा अभी दो इन्फ्यूजर था, एक में हम लोग रेडस्टोन यूज करते थे, एक में डायमंड और एक में वो यूज करने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने इसको अपग्रेड किया एडवांस एनर्जी क्यूब में, क्योंकि ये और भी ज्यादा पावर होल्ड कर पाता था। नॉर्मल ऑन पेन 6 मिलियन था, अभी 6 पॉइंट कुछ मिलियन पर होल्ड कर पा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक फिर से बना लिया था यस हम लोगों ने एक बनाया था यहाँ पे हम लोग इंक्रेज स्मेल्टर, जो कि बहुत ही फास्ट स्मेल्टर था, लेकिन इसको भी हमको अपग्रेड करना था। तो यहाँ पे मैंने जब आयरन वगैरह डाला तो आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट होते थे, लेकिन ये कुछ और मॉल्ट का कुछ मेटल प्लेट बनाते थे जो मेरे को फिलहाल अभी के लिए नहीं चाहिए था। तो इसको मैं यूज़ करने वाला था एज ए स्मेल्टर, हाँ, क्योंकि बाकी वह जिसमें फूल देना पड़ता है फूल नहीं देना पड़ता। तो स्मेल्टर को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड के स्पीड अप करने के लिए, तो इसके लिए मेरे को चाहिए था ऑसनियम का डस्ट, और डस्ट बनाने के लिए हमको चाहिए था हैमर। तो हैमर आसान था, तो मैंने ये पे एक डस्ट बनाया और इसको मैंने स्पीड अपग्रेड बनाया, जो कि मैं लगाने वाला था हमारे स्मेल्टर पे। तो यहाँ से मैंने स्पीड अप किया, हाँ थोड़ा सा स्पीड और एक चीज, अब इसका जितनी स्पीड बढ़ाओगे ना वो उतना पावर कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हमको बनाना था ये ओसनियम कंप्रेसर, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारी चीज कर सकते थे। तो यहाँ पे आके मेन मुझे चाहिए था यस ऑब्सीडियन डस्ट, जिसके मदद से मैं बाकी का मशीन्स में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे मैंने ऑब्सीडियन माइन किया। तो यहाँ पे ऑब्सीडियन माइन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने जो हमारा चेंबर था, ओके इनरिचमेंट चेंबर, वहाँ पे मैंने देख के ये ऑब्सीडियन का मैंने यहाँ पे डस्ट बना लिए। तो ऑब्सीडियन का डस्ट बनाने के बाद इसको रिफाइन करना होता है, और रिफाइन करने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको चाहिए था एक कंप्रेसर। ओके, तो मैंने ऑसनियम कंप्रेसर बनाया, और एक से नहीं इसको चलाने के लिए भी हमको चाहिए था डायमंड, यानी डायमंड बहुत एक्सपेंसिव था अभी मेरे लिए। तो इसको सबसे पहले पावर देने के लिए हमको इसको रिफाइन करने के लिए हमको चाहिए डायमंड। तो डायमंड का मैंने यहाँ पर डस्ट बनाया है, इसको डायमंड का डस्ट मेरे को सबसे पहले इसको खिलाना था डायमंड का डस्ट, उसके बाद ऑब्सीडियन, यानी समझ जाओ इसको रिफाइन करना बहुत ही हार्ड था, तो इसको भी मुझे अपग्रेड करना था। तो कुछ अपग्रेड बना के मैंने इसको अपग्रेड कर लिए थे, हाँ ये बहुत ही महंगा वाला था। उसके बाद हमको बनाना था यस हमको रेनफोर्स एलॉय बना था, फिर एटम एलॉय, एटॉमिक एलॉय, यानी बहुत पेचीदा ये था मशीन के सिस्टम, बहुत पेचीदा था यहाँ पे। तो कोई ना, एक ही करके हम लोग धीरे धीरे करके एक्सप्लोर किए, एंड उसके बाद जो रिफाइन हम लोगों ने ऑब्सीडियन डस्ट बनाए थे उससे हम लोगों ने इसको पावर अप किया, एंड जो रेनफोर्स एलॉय था उसको हम लोगों ने बना लिए थे एटॉमिक एलॉय। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्रेशन था। फिर मैं माइन पे चला था क्योंकि डायमंड का इतना ज़्यादा कमी हो रहा था, और हमारे पास डायमंड का सीड भी नहीं था। तो इस बार मैंने सोचा डायमंड माइन करेंगे, पहले सीड बनाएंगे। तो डायमंड माइन किया और मैंने गलती से प्लेजर को मार दिया था, तो आते आते तो उसके बाद से मेरा बेस पर रेट पड़ गया। मैंने बोला जैसे तैसे एक दो को मारते और इनको इग्नोर करते, बट मैं इनको इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि लोग बेस के अंदर घुस घुस के मेरे को मारे जा रहे थे। तो मैंने जैसे तैसे यहाँ पे इनको मारा, फिर इसको इग्नोर करके ऊपर आने के बाद एसेंस इतना सारे से धीरे धीरे करके एसेंस कलेक्ट किया, क्योंकि हमको डायमंड का सीड बनाने के लिए टीयर 5 में जाना था। तो मैंने यहाँ पे शुरू किया डायमंड के सीड बनाना। यस, हम लोगों ने यहाँ पे 5 डायमंड के सीड बनाए थे। हाँ, ये प्रोग्रेशन थोड़ा सा लंबा चल गया क्योंकि एसेंस बहुत ही कीमती था मेरे लिए। तो एक पहले हम लोगों ने सीड बना लिए थे डायमंड सीड। तो ऐसा पहला डायमंड सीड बनाने के बाद मैं लग पड़ा और भी 2, 3, 4, 5 तक डायमंड सीड बनाने। तो ऐसे कर करके मैंने टोटल यहाँ पे 5 डायमंड सीड हम लोगों ने बना लिए थे। फिर मैंने पूरा का पूरा जगह पे लगा दिए थे डायमंड के सीड, यानी मेरे पास अभी डायमंड का कमी नहीं होने वाला था, लेकिन ये बहुत स्लो उग रहा था तो हाँ कमी तो होने वाला था। तो अभी था डिजिटल माइनर बनाने के बारी। तो डिजिटल माइनर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 चेस्ट बनाया, बाकी जो मेटल मतलब बाकी जो एलॉय थे मैंने ऑलरेडी एलॉय बना के रखा था यस, क्योंकि एलॉय बनना सबसे आसान था, जिसके लिए हमको रेडस्टोन, डायमंड एंड जस्ट आयरन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने दो टैबलेट बनाया एनर्जी टैबलेट। उसके बाद मैंने फाइनली रोबोट भी मैंने बना लिया था। तो रोबोट बनने के बाद अभी टाइम था डिजिटल माइनर बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए एटॉमिक एलॉय कम पड़ रहा था यस। तो मैंने इसको बनाने के लिए डाला है एटॉमिक एलॉय,
ये थोड़ा सा महंगा पड़ गया मेरे को एटॉमिक एलॉय बनाना, क्योंकि मेरे पास एक ही वेंस फोर्ड एलॉय बाकी था, तो मैंने इसको डाल दिया कुछ यस रिफाइन, ऑब्वियसली रिफाइन ऑब्सिडियन डस्ट के मदद से ये एटम एलॉय बनता है। तो हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, तो ऐसे मैंने एटम एलॉय एक बना लिया। फाइनली जो आखिरी एलॉय मेरे को जरूरत था, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिजिटल माइनर, फाइनली इतना दिनों का मेहनत के बाद मैंने फाइनली डिजिटल माइनर मैंने बना ही लिया था। उफ, इतना ज्यादा मेहनत लगा मैं इसके बनाने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेस्ट देखने लगा और बाकी क्या, लेकिन मैंने देखा क्वेस्ट कम्प्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार स्टेशन बना ही नहीं था। ओके, मुझे सबसे पहले भी बनाना था चार स्टेशन, तो यहाँ से मैंने एक चार स्टेशन बनाया फटाफट करके। तो चार स्टेशन बनाने के बाद इतने सारे क्वेस्ट थे, मैंने फटाफट करके कंप्लीट हो गया। एंड इसका रिवॉर्ड लेने के लिए मैं वहाँ पे हाजिर हो गया। अच्छा, मेरे को बोला मेरे को रिवॉर्ड चाहिए इसके, तो कुछ यहाँ पे एलॉय भी मिल चुका था मेरे को बाकी। तो यहाँ पे मैंने मशीन को सेटअप किया डिजिटल माइनर, भाई वो इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे। लेकिन जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, बट काम फास्ट कर रहा था। तो यहाँ से मैंने इसको तोड़ा मशीन को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रेडस्टोन का कमी था, क्योंकि मेरे को टैबलेट्स बनाना था जिसके लिए मेरे को मेन इसको अपग्रेड करना था इलाइट एनर्जी क्यूब पे। जो मेरे पास एनर्जी क्यूब था ना, उसको मैंने अपग्रेड करना था इलाइट पे। इसके बड़ा भी एक अपग्रेड आता है अल्टीमेट इलाइट क्रेट, अल्टीमेट एनर्जी क्यूब, बट वो एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने उसको रहने दिया। फिर इसको मैंने चार्ज करने के लिए यहाँ पे लगा दिए। हाँ, थोड़ा सा स्लो चार्जिंग होता है, क्योंकि यार 100 डेज में इतना पॉसिबल नहीं इतनी सारी चीज़ एक एक बार में एक्सप्लोर करना। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे यस डायमंड एंड हेलमेट वगैरह बना लिए थे, डायमंड के हेलमेट एंड जूता, क्योंकि वही सबसे बेकार चीज़ था मेरे पास। तो ऐसे मैंने और एक डायमंड का पिकैक्स बना लिए, जो कि मेरे को अभी काम आने वाले थे माइनिंग करने के टाइम पे। तो ये सब करने के बाद मैं आ पहुँचा यहाँ पे, कहाँ पे पता है, हम लोग आ पहुँचे एंशिएंट सिटी में, क्योंकि हमको यहाँ से मिलने वाले थे ऑल द मोडियम, क्योंकि ओवरऑल में सिर्फ ऑल द मोडियम मिलते हैं एंशिएंट सिटी के ऑल यानी ऑल या और सीलिंग पे। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया आजू बाजू यहाँ पे, मतलब जो हमारे लूट क्रेट थे यहाँ से हमने लूटा। फिर आप पहुँचे एंशिएंट सिटी में, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि ऑर्डन का, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्निक करके मैंने यहाँ पे बहुत सारे तेज मैंने एक करके थोड़ा थोड़ा करके लूटा मैंने। एंड ऊपर मुझे ना यहाँ पे कुछ ऑनगॉर्ड्स मेरे को दिख गए थे ऑल द मोडियम के, थोड़ा सा टाइम के बाद दिखे थे ये। तो मेन था कि इसको तोड़ना, जब मैंने ये सब ब्लॉक प्लेस करके आजू बाजू जगह को मैंने क्लियर करके जब इसको तोड़ने लगा, यहाँ पे लिखा था पिकैक्स लेवल नेदरराइट, यानी ये मेरे को इतना सारा मैंने जो मेहनत किया था पूरा का पूरा बर्बाद हो गया ये। और ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सोचा इतना मेहनत किया मैंने, लेकिन मेरे को ये हासिल ही नहीं हुआ। फिर मैं बेस पहुंचा, तो गाइस हमको इतने सारे लूट मिले थे एंशिएंट सिटी थे, तो यहाँ पे कुछ डायमंड चेस्ट प्लेट मिला था अनब्रेकिंग 8 के साथ, एंड कुछ लेगिंग एंड जूता भी मिला था, बट हेलमेट मेरे को यहाँ से नहीं मिला था। तो मुझे दो यहाँ पे लेगिंग मिले थे, मैंने सोचा एनबिल भी मिला मुझे। तो एनबिल में मेन जो जो लेगिंग था मेरे पास खुद के लेगिंग थे जिसमें मेंडिंग लगा हुआ था, तो मैंने सोचा जो मेरे को लेगिंग मिला है ना उसको मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा मेरे को मिल जाएगा मेरे खुद के लेगिंग पे। तो मैंने लेगिंग को जोड़ दिया, ये नहीं बहुत ही खतरनाक मेरा लेगिंग बन चुका था। यहाँ पे प्रोटेक्शन था, माना बूस्ट था, और बहुत अच्छे अच्छे इंचैंट्स थे। तो मैंने सोचा चलो यार इसको इंचैंट करते बूट को, एंड मतलब हमारे सॉरी लेगिंग को। उसके बाद एक चेस्ट प्लेट भी था, बट चेस्ट प्लेट को जोड़ने के लिए मेरे पास एक्स भी नहीं था जो अनब्रेकिंग एंड ब्लेसिंग हाई लेवल के थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ फेमिलियर स्टोन वगैरह बहुत से चीज़ें मिले थे जो मैं थोड़ा देखने लग रहा था क्या है। तो मुझे कुछ मिला था स्निक वाला जो नया अपडेट में आया था स्विफ्ट स्निक, इसको भी मैंने लेगिंग पर डाल दिया। अभी मेरे पास 13 लेवल था ये, लेकिन मैं आप पहुंचा नहीं था क्योंकि अभी हमको चाहिए था एंशिएंट डेवरीज जो कि मैं ऑल द मोडियम को माइन करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने ब्लेज को मारा, ब्लेज मारने के बाद धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे नीचे एक जगह ढूंढा। तो यहाँ पे मैं बैटरी का सेटअप करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट किया कॉन्फिग करने इसको। हाँ, कॉन्फिग करने में टाइम चल जाता है थोड़ा सा। फिर इसको कॉन्फिग करने के बाद हम लोगों को भी क्या करना था पता है, तो इसको मैंने बैक किया यस। तो इसको बैक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जब दबाया ना, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 17 या 18 हमको यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस मिलना शुरू हो गए थे। तो इतना मेरे लिए थोड़ा सा कम था कि काम क्या या कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा दूर आ पहुँचे, पता नहीं अजीब गरीब सोल सैंड थे, वार्ब्ड सोल सैंड, तो ये अजीब गरीब थे, पूरा कलर ही अलग थे इसके। तो मैं थोड़ा सामने जाके मैंने फिर से यहाँ पे सोचा कि चलो भाई फिर से इसको सेटअप करते हैं हमारा जो मशीन है, एंड यहाँ पे जितने एंशिएंट डेब्रिस है इसको माइन करके फिर हम बेच जाते। तो इसको मैंने गलत लगा दिया था, तो इसको तोड़ के सही किया। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट बटन पे दबाया। हाँ, ऐसे मुझे 19 मिला था एंशिएंट डेब्रिस। हाँ, ऐसे मिलते रहते यार, और इसको मैंने अपग्रेड किया था तो इसको पावर कंजम्पशन भी बढ़ गए थे, तो ये मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे। तो मैंने इसको ये सब लेके आ चुका था बेस में, तो बेस आके मैंने इसको नेदरराइट पे अपग्रेड किया डायमंड पिकैक्स को, एंड मैं बैक करके सीधा चला गया जहाँ से मैं आया था।
यानी हमारे वोल्डेमोडियम के पास। तो यहाँ पे आके मैंने फाइनली वोल्डेमोडियम का फर्स्ट ओर मैंने यहाँ से माइन कर लिया था। मैं ये देख के इतना खुश हो रहा था, मैं क्या ही बताऊं। तो ये करने के बाद फाइनल मेरे अचीवमेंट में लॉक हो चुके थे एंड मुझे यहाँ से और एक ओर मिला था वोल्डेमोडियम के। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया एंड वोल्डेमोडियम को हमारे पिकैक्स से तोड़ने की कोशिश की डायमंड के, उसके बाद मैंने नेदरराइट से तोड़ के यस, फिर मैंने यहाँ पे स्मेल्टर के पास आया। मैंने स्मेल्टर के पास आके मैंने वोल्डेमोडियम का ओर को ये सभी मुझे पिघलाना था, तो यहाँ से मैंने पिघलाने के लिए डाल दिया वोल्डेमोडियम का ओर को। उसके बाद यहाँ से कैब में आके मेरे को एंडरमैन दिखे थे, तो मैंने इसको एंडरमैन को मारा क्योंकि इसका मेरे को आई चाहिए था वो पोर्टल बनाने के लिए। तो इसको मारा मैंने, फिर मैंने एक आई मिला और एक ग्रास ब्लॉक मिला था। फिर यहाँ से मैंने एक एक करके वोल्डेमोडियम का नगेट रखा एंड मैंने फाइनली बना लिया टेलीपोर्टर पैड, जो कि मुझे वोल्डेमोडियम के डायमेंशन पे ले जा सकता हूँ। गाइस ये जो डायमेंशन है, इसका खास बात है कि इसमें तीन डायमेंशन जुड़ा हुआ है, नेदर, ओवरवर्ल्ड एंड एंड, यानी मुझे हर तरीके का यहाँ पे और मिलने वाला था। जितना नीचे जाऊंगा पहले ओवरवर्ल्ड फिर नेदर, उसके बाद आता है एंड। तो मैं इतना नीचे पहुंच नहीं पाया था, तो यहाँ से मैंने माइन करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे माइन करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास वोल्डेमोडियम ढूंढने के लिए कोई तरीका ही नहीं था। फिर मैं ऊपर आया, मेरे पास कुछ विलेजर्स थे, दो विलेजर, तो मैंने इनको ब्रीड करना मेरे को सही लगा क्योंकि अगर विलेजर बना लूँ मुझे इमेंडिंग, अनब्रेकिंग एंड बाकी के जो फॉर्चून वगैरह वो मुझे मिल जाएगा, जो कि मेरा जो डायमंड मेन जो मेरा नेदरराइट का पिकैक्स था ना वो बहुत कमजोर हो गया था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो मैं इसको खो दूँ। तो एक विलेजर को मैंने यहाँ पे फार्मर बनाया क्योंकि मेरे पास चार एमरल्ड था, तो चार एमरल्ड से मैंने क्या क्या पता है यहाँ से मैंने हमारा ब्रेड खरीदा, फिर इनको खाना दिया ब्रेड, क्योंकि नहीं तो ये लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो इनको खाना दिया। बाकी जो बच्चे थे उसको लेके मैंने इंक्यूबेटर पर डाल दिए तो बड़े होने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइवेरियन वगैरह जो जो हमको बनना था हम लोग धीरे धीरे बना लेते। तो सबसे पहले मुझे वोल्डेमोडियम चार्म बनाना था जिसके मदद से मैं पूरा का पूरा एरिया में वोल्डेमोडियम को ढूंढ सकूँ। तो ये करते करते हम लोगों ने एक मशीन का सेटअप बनाया था, मैं आपको बताता हूँ इस मशीन के क्या सीन है। ये जो मशीन है इसके अंदर हम लोग रबर बनाते हैं, रबर, ड्राई रबर एंड ड्राई रबर से हम लोग क्या बनाते हैं प्लास्टिक। तो ये कैसे था, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेसर डाले जो कि जिसके अंदर हमने ओक रख दिए थे जो सामने ओक प्लेस करेगा एंड यहाँ पे था फ्लूइड एक्सट्रैक्टर, यानी वो ओक से जो रस होता है ना वो फ्लूइड वो उससे एक्सट्रैक्ट करके ड्राई वो बनाएगा ड्राई रबर। तो ड्राई रबर को जब हम लोग स्मेल्ट करेंगे इससे बनेगा हमारे प्लास्टिक, यानी ये जो प्लास्टिक था वो आने वाला टाइम पे काम आने वाला था। तो यहाँ पे अच्छा खासा कुछ दिन ग्राइंड करने के बाद हमको यहाँ पे अच्छा खासा विलेजर्स मिल गए थे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा खाने बना का देख रहा था क्या सीन है एंड मैंने वोल्डेमोडियम का चार्म बनाने के लिए फुल सेटअप कर लिया था। नेदर मेरे को जाना पड़ा थोड़ा सा, बट कोई ना, फाइनली मैंने यहाँ पे एक चार्म बना लिए थे वोल्डेमोडियम की चार्म जिसके मदद से मुझे बाकी वोल्डेमोडियम के ओर्स दिखने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने विलेजर्स को रख दिया था बड़ा होने के लिए एंड अभी टाइम था क्या पता है एन्चेंट के, क्योंकि माइनिंग डायमेंशन पे बिना फॉर्च्यून, बिना मेंडिंग, बिना अनब्रिंग के मैं जाने नहीं वाला था। तो सबसे पहले जो ये सब सेटअप करते करते मैं आ पड़ा ऊपर क्योंकि मुझे देखना था कितना दूर तक ये पहुंचा है। तो यहाँ पे खास तो कुछ देखा नहीं, डायमंड दो या एक्स्ट्रा आ चुके थे, यहाँ पे कुछ आयरन आ चुके थे, हाँ तो कुछ कुछ चीज़ें आने वाला था एंड डायमंड को जब यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना था, जैसे 11 डायमंड बना था क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट पा रहा। तो फिर से मैं लग पड़ा यहाँ पे एन्चेंट बुक ढूंढने, तो थोड़ा सा टाइम लग गया एन्चेंट वगैरह बुक ढूंढते हुए। फिर आप पहुंचे यहाँ पे मैं वुड माइन करने, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या चाहिए था पता है, स्टिक, जिसके मदद से मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रेल फार्म कर सकता हूँ। हाँ कुछ टाइम लग गया एम्ब्रेल, सिर्फ मेहनत नहीं बहुत मेहनत करना पड़ा इस वाले 100 डेज बनाने के लिए। फिर बहुत टाइम मेहनत करने के बाद हम लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे एम्ब्रेल फार्म कर लिए थे। फिर मैंने पिकैक्स पे जो हमारा नेदरराइट के पिकैक्स था उस पर मैंने डाले इफिशियंसी 5, उसके बाद हम लोगों ने एक मेंडिंग डाले यस एंड उसके बाद गाइस जो भी था हम लोगों ने थ्रॉन्स वगैरह जो था वो मैंने हेलमेट लिया। तो सबसे पहले हेलमेट पे कोई इंचार्ज नहीं था तो मैंने हेलमेट पे मेंडिंग डाले एंड यहाँ पे मैंने एक थ्रॉन्स था मैंने थ्रॉन्स भी डाले। बाकी यहाँ पे मैंने लिया फॉर्चून 3 का बुक एंड यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्शन 4 का बुक लिया था जो कि मुझे हेलमेट पे लगाना था, तो प्रोडक्शन का मैंने हेलमेट पे लगा दिया। हेलमेट में लगाने के बाद पिकैक्स में मेरे को एक फॉर्चून 3 जोड़ना था, तो फॉर्चून 3 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था, लेकिन सॉरी मैंने अनपैकिंग जोड़े थे, फॉर्चून 3 के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं था। तो मैंने जितना एमरल था मेरे पास उससे मैं अजीब गरीब उल्टे सीधे चीज़ें ले लेके मैंने 13 एक्सपी किया, फिर मैंने फॉर्चून 3 के उसको जोड़ दिया। तो फाइनली मेरे पास एक अच्छा खासा पिकैक्स आ चुके थे वो माइनिंग डायमेंशन में जाके माइन करने के लिए।
तो यहाँ से मैंने अपना बैटरी उठा, जितने भी चार्ज हुए थे मैंने बैटरी उठा के, और डिजिटल माइनर तो मेरे पास था ही। तो मैंने जब चाम को राइट क्लिक किया तो यहाँ पे पहले तो कुछ दिखा नहीं, तो मैं थोड़ा सा सोचा थोड़ा नीचे जाते थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं नीचे जाने लगा तो उसके बाद ना यहाँ पे मुझे ओर्स दिखने लगे, ग्लो करने लगे, जो ऑल्डामोडियम के ओर्स है। तो और एक चीज, यहाँ पे जो डिजिटल माइनर है उससे हम लोग ऑल्डामोडियम और माइन नहीं कर सकते, यानी आपको पूरा मैनुअली इसको माइन करना था। हाँ, हम लोगों ने कुछ दिन इधर बिताए ऑल्डामोडियम को माइन करते हुए, ऑलमोस्ट मैंने 2 स्टैक के ऊपर यहाँ पे माइन किया था मेरे ऑल्डामोडियम। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऑल्डामोडियम को मैनुअली माइन करते करते, तो फाइनली जितना ज्यादा हो सके मैंने माइन किया था ऑल्डामोडियम। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ चुका था नेदर डायमेंशन पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेटअप किया था हमारे डिजिटल माइनर यहाँ पे एंशियंट डेब्रिस को माइन करने के लिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे को 95 यानी ऑन 60 के ऊपर हमको एंशियंट डेब्रिस जैसे मिल गए थे ऑलमोस्ट। तो पहला यहाँ पे मैंने माइन किया तो यहाँ से मेरे को 90 एंशियंट डेब्रिस यहाँ से मिला। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने फिर से यहाँ से मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा दूर जाते, तो मैंने यहाँ से जितने भी हमको एंशियंट डेब्रिस मिला था वो लेके मैं थोड़ा सा दूर गया। दूर जाने के बाद मैंने फिर से वो मशीन लगाया, मशीन लगाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे मशीन सेटअप किया, यहाँ पे भी 90 के ऊपर यहाँ पे हमको भी एंशियंट डेब्रिस मिला। लेकिन भाई इतना इतना वो पावर कंज्यूम कर रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे बेस आके मैंने एक एक करके यहाँ पे हम लोगों ने नेदरराइट का आर्मर बनाया। नेदरराइट का आर्मर बनाने का जो हम लोगों ने ऑल्डामोडियम फार्म किए थे ना उसको मैंने वो कर लिया था, पिघला लिए थे। तो पिघलाने के बाद हमारे को क्या करना था, सबसे पहले मेरे को क्राफ्टिंग टेबल खोलना था। यस, उसके बाद जो नेदरराइट का आर्मर थे उसको रख के पूरा का पूरा चारों तरफ ऐसे घुमा लेना पड़ता था। तो ओए ये क्या बन रहा है, नेदरराइट एमरल, अरे पता नहीं भाड़ में जाए। सबसे पहले गाइस हमको ऑल्डामोडियम का हेलमेट बनाना था, तो मतलब इसके लिए मेरे को नेदरराइट का आर्मर नीडेड ही था, मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकता था। तो एक एक करके मैंने मेरा जितने पास मेरा आर्मर थे मैंने वो आर्मर को रखा, और उसके उसके चारों तरफ मैंने जैसा आर्मर बनाते ना वैसे मैंने ऑल्डामोडियम का ओर्स मतलब इंगोट रखा, तो मैं फुल सेट मेरे यहाँ पे ऑल्डामोडियम के आर्मर बन चुके थे। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं, बहुत टाइम लगा जस्ट इस एक आर्मर ग्रैंड करने के लिए, मेरे को ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम लग गया मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब करते करते फाइनली हम लोगों ने बना लिए थे ऑल्डामोडियम के यस आर्मर। उसके बाद टाइम था पूरा का पूरा हमको टूल बना, तो जो टूल था शॉर्ट में 16 डैमेज था, यानी बहुत ही खतरनाक था शॉर्ट। उसके बाद एक एक करके मैंने पिकैक्स सर्वल एंड एक्स भी मैंने बना लिए थे, यानी मेरे पास फुल सेट आ चुका था ऑल्डामोडियम के टूल्स एंड आर्मर। लेकिन एक चीज था मेरे पास कि अभी तक मैंने ऑल्डामोडियम का जो चीज है उसको एंचेंट नहीं कर पाया, और एंचेंट करने के लिए मॉब फॉर्म में बनाना था जो मैं अभी तक बना नहीं पाया, क्योंकि हम लोग 100 डेज के बहुत करीब पहुंच चुके थे। मैं बताया था कि गाइस हार्ड कोर में खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा प्रोग्रेशन स्लो होता है नॉर्मल गेम से, क्योंकि आप मर नहीं सकते एक बार भी। तो ये करते करते मैं बच बच के खेल रहा था, तो गाइस हाँ मेरा प्रोग्रेशन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हार्ड कोर में इतना होता है गाइस, इतना ही होता है। तो धीरे धीरे करके एक प्लेजर कैंप था, मैंने यहाँ पे आके इनको एक एक करके मारने लगा प्लेजर्स को, क्योंकि यार मुझे ना इनसे नफरत था, तो नफरत थी दूर करने के लिए मैं इनको एक एक करके मारने लगा। फिर जितने सारे रैवेजर थे मैंने सबको एक एक करके मारा, बाकी यहाँ पे जो बहुत सारे प्लेजर भी थे मैंने यहाँ पे प्लेजर को मारा। फिर पीछे जाके देखा तो बाकी और प्लेजर्स थे, तो मैंने यहाँ पे एक एक करके प्लेजर को मारा। उसके बाद देखा वो जादूगर थे जो कि टोटम ऑफ अनडाइंग ड्रॉप करते थे, तो यहाँ पे 2 था, मैंने फटाफट करके 2 बंदे को मारा जिससे मुझे मिला था फर्स्ट टोटम ऑफ अनडाइंग, और इसको भी मारने के बाद मुझे भी फिर से मिला था टोटम ऑफ अनडाइंग, यानी मेरे पास अभी 2 टोटम ऑफ अनडाइंग आ चुका था, जिसके माध्यम से मैं 2 लाइफ तो और एक्स्ट्रा जी सकता हार्ड कोर में। तो मुझे लगा कि सही बात है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर एक्सप्लोर करने लगा, लेकिन एक्सप्लोर करते करते मैं बेस आ पहुंचा, क्योंकि अभी टाइम था 100 डेज के, तो पूरा का पूरा 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट आ चुके थे। मुझे लगा कि एक मैं बॉस मारूंगा, लेकिन नहीं, अभी रेड भी आ चुके हैं। मैं सोचा चलो भी रेड, इस रेड को भी मुझे कंप्लीट नहीं करना, 100 डेज हो गया तो हो गया, क्योंकि इतना मैंने मेहनत कर लिया, फिर से 101 डेज में नहीं करने वाला। तो ये सब करके मैं सोचा भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ सीधा, दरवाजा बंद करो, रेड आए ना आए मुझे नहीं पता, 100 डेज कंप्लीट हो गया गाइस, लाइक करो, मुझे नहीं पता, बहुत मेहनत लगा, ओके सो चलिए गाइस, बाय बाय।